नियम मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए। और बच्चों एक बात बताना, मैं आपको मित्रों को मैंने अभी अभी आपको क्लास अभी शुरू की है, तो हॉलीडे होमवर्क आपके पास नहीं पहुंचा। बहुत सारे स्टूडेंट ये कॉल कर रही है कौन सा हॉलीडे होमवर्क करना है, क्या करना है हॉलीडे होमवर्क में, तो आपको व्याकरण में से हॉलीडे होमवर्क करना है। और व्याकरण का चैप्टर है रस परिचय में आपको रस की डेफिनेशन, रस के भेद, उसके स्थाई भाव, फिर स्थाई भाव की परिभाषा, स्थाई भाव के बाद रस की परिभाषा, उसके उदाहरण, इतना सारा करने के बाद आपको कंप्लीट करना है हॉलीडे होमवर्क में। ओके, रिपीट करती हूँ एक बार फिर, रस परिचय चैप्टर है जिसमें रस की परिभाषा, रस के भेद, स्थाई भाव, फिर भेदों की परिभाषा, उदाहरण, इतना करने के बाद आपको वह चैप्टर कंप्लीट करना है, यानी सब परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। उसके बाद आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा और आप 10 डेज तक यानी 10th of July तक आप मुझे सबमिट करेंगे। ओके, ठीक है। अब मैं इससे पहले आपको क्षितिज गद्य खंड में, सॉरी बच्चों, क्षितिज पद्य में, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका पद्य क्या है, क्षितिज पद्य चैप्टर, पद्य खंड का जो चैप्टर है सूरदास के पद, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिए थे मैंने, आपने क्वेश्चन आंसर कर दिए होंगे और अगर रह गए हैं थोड़े तो मैं भी कंप्लीट कर दी। अच्छा, इसके बाद वो चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके बाद हम आपको क्षितिज गद्य खंड में से चैप्टर 10, यानी 10वां चैप्टर है, और वैसे गद्य का फर्स्ट चैप्टर है और बुक में चैप्टर 10 है नेताजी का चरित्र, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो सबसे पहले बच्चों में आपको लेखक के बारे में बताना चाहूंगी, थोड़ा सा परिचय लेखक का भी जरूरी है, तो आप लेखक का परिचय समझ लीजिए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए, बुक में रीडिंग देखिए, लेखक का जीवन परिचय, और उसके बाद आगे चैप्टर की समझ बताऊंगी आपको। तो इसमें देखिए बच्चों, स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही बीता, यानी पढ़ाई भी और उनकी नौकरी भी, दोनों ही ज्यादा समय था राजस्थान में। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और विश्वा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं, यानी अभी वर्तमान में वो अपनी सेवा से निवृत्त हो चुकी है, अर्थात रिटायर हो चुकी है और विश्वा पत्रिका का संपादन करते हैं भोपाल में रहते हैं। इससे अलावा जो 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश, यानी लगभग 1980 में उभरे स्वयं प्रकाश का आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, वर्तमान समय में जो कहानी है उसके महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें लेखक के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कहानियों के नाम है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान को लेंगे, यानी आदमी जात का आदमी और संधान, ये उनके कहानी संग्रह। उन्हें बच्चों कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, लेखक के लिए लेखक को बहुत से सम्मानों से सम्मानित किया जा सकता है, किया जा चुका है, जिनमें है पहले सम्मान बनवानी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये लेखक ने जो योगदान देते हैं उनके लिए ये सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो बच्चों, लेखक स्वयं प्रकाश ने लेखन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिस कारण उन्हें सन 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेखक की रचनाओं में लेखक ने मध्यम वर्ग जीवन की
समाज की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने अपने लेखन में लिखा है। तो उन्होंने लिखा है मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल श्रेय प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, समुदाय और हिंसा के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ अधिकार का अवसर भी है। यानी लेखक ने, जैसे मैंने आपको बताया, लेखक ने अपनी कहानियों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शोषित वर्ग, जो निम्न वर्ग के की समस्याओं को अपने लेखन के माध्यम से दर्शाया है। और उनकी कहानियों में रोचक की साक्ष्य में लिखी उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समर्थ करती है। रोचक हिस्सा हुई अर्थात उनकी कहानियों में, उनकी रचनाओं में कहीं कहीं हास्य व्यंगता को दी है। उनकी कहानियों में कहीं कहीं हंसी भी आती है और कहीं कहीं उन्होंने व्यंग भी दिया है। तो बच्चों, लेखक की जो भाषा है, लेखक की भाषा सरल सहज साहित्य भाषा है। उन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, देशज आदि शब्दों का प्रयोग किया है। लेखक की रचनाएं कहानी और निबंध है। लेखक साहित्यिक जीवन के कुशल चितेरे कवि, सॉरी लेखक साहित्य जीवन के कुशल चितेरे लेखक थे। लेखक ने अपनी भाषा में संस्कृत तथा अरबी शब्दों का भी प्रयोग किया है। लेखक छोटे छोटे वाक्यों का उपयोग करते हुए कहीं कहीं हास्य और कहीं कहीं व्यंग का पुट भी अपनी रचनाओं में दिया है। लेखक के बारे में इतना ही। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं और इस चैप्टर का सारांश मैं आपको रीड कराऊंगी। रीड के साथ साथ आपको ध्यान देना होगा, आपको रीडिंग करनी होगी। कोई भी हार्ड वर्ड है उसे भी मैं बोलूंगी तो आप नोट करते जाएंगे, उस हार्ड वर्ड को बुक में नोट कर लेंगे, अदरवाइज आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, नोटबुक आपको एक ही बनानी है, चाहे वो बोलने वर्क है, चाहे क्लास वर्क है, चाहे वर्ड मीनिंग है, चाहे चिटेज है, प्रतिका है, व्याकरण है, गद्यखंड है या पदखंड, एक ही नोटबुक में आपको वर्क करना है। ओके, अब हम आपको ये चैप्टर रीड कराती हूँ और उसकी समरी बताती हूँ। देखिए, ये चैप्टर है बच्चों नेत्रा दीपा चश्मा। हमारा समाज, थोड़ा समय आपको बताना चाहूंगी, हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई हमारा परिवार है। सबसे पहले परिवार होता है, उसके बाद पड़ोस होता है, आस पड़ोस होता है, फिर गांव, मोहल्ला, कॉलोनी, उसके बाद देश, सॉरी नगर, जिला, देश, इस प्रकार से पूरा समाज, सोसाइटी, इस प्रकार से पूरा समाज होता है। लेखक ने समाज की ही कुछ समस्या को, यानी समाज में कुछ कार्यकर्ता ऐसे होती हैं जिनका कार्य बहुत ही धीरे होता है, जो अपने काम के प्रति लगनशील नहीं होती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें कार्य को बहुत देर से किया जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मुख्यतः सरकारी कार्यालयों में ऐसा होता है कि कार्य को टालते होते हैं। तो उसी को लेकर लेखक ने नेताजी का चश्मा के माध्यम से बताया है। इसमें है, हालदार साहब को हर पंद्रह के दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ पक्का मकान घर, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमाघर, एक दो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, जैसे कोई कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशावर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड द्वारा, किसी उत्साही बोर्ड द्वारा
प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संतमंत्र की प्रतिमा लगाई। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी शहर में नगर पालिका, गाँव में पंचायत होती है, शहर में नगर पालिका होती है। नगर पालिका के बहुत सारे काम होते हैं नगर में कराने के लिए, तो वही जो जिस कस्बे की बात की जा रही है वो बहुत छोटा नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था, यानी एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल, एक ओपन एयर सिनेमा घर, ये जो चीजें बताई है वो सब नगर पालिका की। तो नगर पालिका कई कोई छोटे छोटे काम करवाती है, जैसे कहीं कोई शौचालय या पेशाब बनवा दिए, कहीं कोई कबूतरों की छतरी बनवा दी, या कभी कहीं कोई सड़क का टुकड़ा पक्का करवा दिया, इस तरीके से वो नगर पालिका काम करते हैं। वही किसी बोर्ड के किसी अधिकारी ने एक बार उसी शहर के एक चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई। उस मूर्ति में एक कमी थी, और क्या कमी थी उसी को लेकर ये पूरा व्यंग पूरी कहानी लिखी है। इसके आगे है पूरी बात को पता नहीं लेने लगता है, देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा न होने के कारण काफी समय को बर्बाद होता है। बोर्ड की स्थापना होगी समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को भी अवसर देने का सम्मान किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ग्रैंड मास्टर का नाम लिखिए मोतीलाल जी को भी यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी जो मूर्ति बनवाई गई थी वो शहर के ही एक किसी जॉइंट मास्टर को दे दिया गया उसका काम, क्योंकि वो शहर के थे, जानते थे, जल्दी काम कर देंगे, इसलिए शहर के लोगों को काम दे दिया गया। उन्होंने भी वायदा कर दिया कि महीने भर में वो मूर्ति बनाकर पटक देंगे, अर्थात कैसे भी हो कहीं से भी करेंगे, चाहे घंटा मेहनत करेंगे, लेकिन वो एक महीने में उस मूर्ति को बनाकर आपको दे देंगे। अब आपने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नगर पालिका का काम में यानी डिले होता है, देर होती रहती है, कहीं कोई जवाबी कार्रवाई करने में, कोई लिखित में मांग लेने, कोई चिट्ठी आ गई, कोई नोटिस आ गया, तो उससे करने में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में नगर पालिका का काम यानी सरकारी दफ्तरों के काम डिले होते रहते हैं, देर होती रहती है। तो अब कस्बे के ही ड्रॉइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, उनको मूर्ति देख बनाने का काम दे दिया। आगे है जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से होंठ के दूसरे बटन तक कोई दो फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, यानी कभी कभी उसने बस्ट किसे कहते हैं, तो टोपी की जो नोक होती है उससे सीधी तक, यानी होंठ के दो बटन तक की जो मूर्ति होती है उससे हम बस्ट कहते हैं। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमजोर, यानी नेताजी की जो मूर्ति बहुत सुंदर बनाई थी। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे ऊन दो वगैरह याद आ गया, यानी नेताजी की उस मूर्ति को देखकर, नेताजी की मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर नेताजी के दिए गए जो स्लोगन थे, नारे थे, वो याद आने लगते थे कि दिल्ली चलो या तुम मुझे ऊन दो मैं तुम्हें आ जाऊंगा, नेताजी के नारे थे तो वो याद आने लगते थे। नेताजी की आंखों पर एक चश्मा नहीं था, यानी नेताजी की जो मूर्ति थी उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सब और चश्मा था भी, तो कैसा था, संगमरमर का उसी में तराश कर बनाया गया था, वो चश्मा दिखाई नहीं देता था, ऐसी वो मूर्ति थी। पहली बार इस कस्बे से गुजरे कौन, हालदार साहब।
जो फ्रेड बना दिया था हालदार साहब को, जैसे शुरू में आपको बताया गया था कि हालदार साहब 15-20 दिन बाद किसी काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। अब जब वो गुजरे तो जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने किसी लक्षित करके अर्थात उस मूर्ति को देख लिया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मीन विस्मय भरी मुस्कान फैल गई। वाह यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा नदी है और जीता चश्मा, यानी जो हालदार साहब थे वो मूर्ति को देखकर ठिठक गए, रुके और कहने लगे वाह क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा अरिया, यानी और जीता चश्मा था उस पर। तो इसीलिए क्योंकि वो चौराहे पर उस चौराहे से गुजरते रहते, अक्सर गुजरते रहते थे, जब पहली बार गुजर मूर्ति लगने के बाद जब वो पहली बार गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर और जीता चश्मा लगा हुआ। जीत कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण मूर्ति के रंग रूप या करता नहीं उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यानी हालदार साहब ने सोचा कि उस चश्मे के बारे में ही वो सोच रहे थे और उस बारे में भी क्या सोच रहे थे कि चलो लोगों को कुछ तो परवाह है, यहाँ शहर के नागरिकों को कुछ परवाह है कि नेताजी की जो मूर्ति बनी हुई है उन्होंने उस मूर्ति पर रियल चश्मा लगा दिया है और जीवन चश्मा लगा दिया है और इस चश्मे से क्या ज्ञात होता है कि देश के जो नागरिक हैं उनको उनके अंदर उनके मन में देशभक्ति की कुछ भावना है, इसी कारण उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा लगा दिया है। इसे सोचकर यानी देशभक्ति के बारे में सोचकर नेताजी मन ही मन संतुष्ट। हालदार साहब दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब की कौतुक को कौतुक पढ़ा, वाह क्या आइडिया, मूर्ति कभी नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। यानी यहां हालदार साहब ने व्यंग किया, उन्होंने कहा कि वाह क्या आइडिया है। जब वो दूसरी बार आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति ने कुछ बदलाव कुछ चेंज कुछ परिवर्तन आए और क्या परिवर्तन, जब उन्होंने ध्यान दिया तो क्या देखा कि अब की बार चश्मा दूसरा था, पहले वो काले फ्रेम वाला मोटा चश्मा था और अब की बार क्या था चश्मा, अब पहले मोटे फ्रेम वाला था अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ था। उस चश्मे को देखकर अब उनका जो विस्मय था उनका जो आश्चर्य था वो और भी बढ़ गया और भी इसलिए बढ़ गया कि वो चश्मा बदला जाता था। अब वो मन में सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है, इसका उन्होंने व्यंग किया। यानी मूर्ति अपने आप कुछ नहीं कर सकती, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती लेकिन वो चश्मा बदल सकती। अब तीसरी बार फिर नया चश्मा, नेताजी फिर सॉरी हालदार साहब फिर आए तीसरी बार, तो उन्होंने देखा कि अब की बार चश्मा फिर दूसरा है। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर ना पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्लभ नहीं होता यानी जब उनका विस्मय भी इतना बढ़ गया कि वो अपने आप को समझा न सके, ये कोशिश कर रहे कि ये चश्मा कौन बदलने वाला कौन है, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ नहीं होता यानी वो जो चश्मे बदलने वाली प्रक्रिया थी वो उनके माइंड से हट रही, उनके मस्तिष्क से नहीं हट रही थी, तो डॉक्टर पान वाले से पूछ ही लिया क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल दिया जाता। जब वो अपने विस्मय को रोक नहीं सके, उन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो आखिरकार जिस दुकान पर वो पान खाते थे उस पान वाले से ही पूछ लिया, भाई ये कौन है जो नेताजी का चश्मा बदल देता है, ये चश्मा कौन बदल देता है, हर बार जब भी मैं आता हूँ तो मुझे नया चश्मा मिलता है मूर्ति पर, ऐसा कौन करता है। पान वाले खुद के मुंह में पान भरा हुआ था और एक काला मोटा और खुश मिजाज आ हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी घूम फिर पीछे घूम कर उसके दुकान के लिए पान हुआ और अपनी दाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला क्या तुम चश्मे वाला करता। यानी जब उन्होंने उस पान वाले से पूछा तो पान
मोटा था, आगे को दौन निकली हुई थी, और जब वो हंसता था तो उसकी दौन मूवमेंट करती थी, हिलती। तो वही हुआ जब राजा साहब ने उससे पूछा कि भाई ये चश्मा कौन बदलता है, यानी उनका जो सस्पेंस था, उनका जो विस्मय था वो बहुत बढ़ गया। वो दूसरों से पूछा तो उसने उन्होंने पूछा कि चश्मा कौन बदलता है, तो पहले तो हंसा क्योंकि वो पान खाता रहता था, इसलिए पहले उसने नीचे उनका नीचे झुक कर अपनी दुकान के नीचे पान की भीड़ थूकी। उसके बाद हुआ कि अपनी लाल बत्ती से दिखा कर वो हंसा, यानी जैसे मैंने पहले बताया कि हंसा, और हंसने के बाद मैंने कहने लगा कि कैप्टन, यानी कौन कैप्टन चश्मे वाला करता है, यानी ऐसा काम ये चश्मे बदलने का काम कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। चश्मा चेंज कर देता है, पान का नहीं सीखा है, क्या करता है हल्दर साहब को समझ नहीं पाया, चश्मा चेंज कर देता है, यानी जो हल्दर साहब ने जो उन्होंने कहा कैप्टन चश्मे वाला करता है ये काम, तो हल्दर साहब उसकी बात को समझ नहीं पाए, वो कहने लगे कौन, तो वो कहने लगा कि चश्मा चेंज कर देता है पान वाले ने समझा। पान वाले ने फिर उन्हें समझाया कि वो जो कैप्टन चश्मे वाला है वही इसका चश्मा चेंज कर देता है, बदल देता है। कोई गया क्या मतलब क्यों चेंज कर जाता है, हल्दर साहब की फिर भी समझ नहीं आया, तो कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा, कौन चेंज कर देता है, कौन बदल देता है, शुरू कहने लगा हल्दर साहब अब भी नहीं समझ पाए, हल्दर साहब उसकी बात को समझ नहीं पाए, उनके दिमाग में नहीं आई ऐसी क्या बात है। तो कोई ग्राम ग्राम प्लीज ग्राम आ गया समझो, उसको चौड़े चौपड़ चाहिए, चौड़े चौपड़ चाहिए यानी थोड़े फिट वाला चश्मा चाहिए, इसके लिए कस्टमर के लिए उसके पास चश्मे वाले के पास। तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको बूढ़े वाला ले लिया, उधर बूढ़ा उठा लिया, यानी इसका कहने का मतलब था कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो यदि उसके पास कोई कस्टमर आ गया और उसने चौड़े फ्रेम वाला चश्मा मांग लिया तो वो कहाँ से लाएगा, इसलिए वो उस चश्मे को उतार कर अपने कस्टमर को दे देता है और दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। अब हल्दर साहब की बात कुछ कुछ समझ में आए, यानी हल्दर साहब अब समझने लगे कि हाँ क्या मसला है, क्या बात है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिरे जुड़े फिल्मों से एक चश्मा की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फिल्म की दरकार होती है, दरकार होती है, आवश्यकता जरूरत होती है, जैसे ही मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन यानी कैप्टन उसका चश्मे को निकाल कर दे देता है, दूसरा चश्मा वहां लगा देता है। कहने का मतलब यह है कि जब हल्दर साहब जब उस चश्मे वाले को बताया कि कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बदलता है, तब उनकी समझ आया कि वो चश्मे वाला जो है वो जिसकी दुकान है चश्मे की, वो चश्मा बदलता है, और कैसे बदलता है कि जब वो फ्रेम मूर्ति पर लगा हुआ होता है तो कोई ग्राहक मांगने लगता है कि ये वाला फ्रेम चाहिए, मोटा फ्रेम चाहिए या पतला फ्रेम चाहिए, तो वह उस चश्मे को उतारकर उस फ्रेम को उतारकर अपने कस्टमर को फ्रेम दे देता है और दूसरा फ्रेम मूर्ति पर लगा देता है। इस प्रकार हल्दर साहब अपने मन में यही बात महसूस कर लेते और यही सोचते हुए वो आगे चले जाते हैं। अब चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी ने जमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लगा देता है। भाई को क्या आइडिया है, लेकिन भाई एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई, हल्दर साहब ने पान वाले से फिर पूछा नेताजी का और जिनका चश्मा कहाँ गया। अब हल्दर साहब को अच्छा लगने लगा उसके बारे में पूछने, और ज्यादा उत्सुक हो गए, उससे बार बार जब आते तभी कुछ ना कुछ पूछते उस पान वाले से, तो वो कहने लगे कि चश्मे वाला मुंह पर चश्मा जो दे हैं नेताजी के हुए वो ग्राहक को दे देता है। किसने कहा, हल्दर साहब के पान वाले से बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि चश्मे वाला मुंह पर लगा फ्रेम अपने ग्राहक को दे देता है और फिर बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम, नेताजी के आंखों पर दूसरा फ्रेम लगा देता है, दूसरा चश्मा लगा देता है। और ये भी आइडिया, यानी ये जो उसका आइडिया है, ये जो विचार है उसका बहुत अच्छा है। फिर लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई, हल्दर साहब ने पान वाले से पूछा। अब हल्दर साहब और ज्यादा उत्सुक हो चुके, खुद उन्हें उस मूर्ति के बारे में समझ नहीं आई, वो कहने लगे कि ठीक है मैं मानता हूँ कि वो जो चश्मे वाला है वो मूर्ति का चश्मा बदल देता है, लेकिन मैं ये पूछना
पूछना चाहता हूँ कि नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा। पान वाला दूसरा पान मूवमेंट पूछ चुका था। पान वाले को जैसी आदत थी कि बहुत पान खाता था, तो एक नहीं खत्म होता था तब तक दूसरा खा लेता था। वही था, उसने दूसरा पान मूवमेंट पूछ लिया था। दुकान पर अगली बार खड़ी नहीं थी, वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोंट थी कत्थे की डंडी फेंक पीछे होकर उसने नीचे की थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति के ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछा तो वो पान वाला फिर हंसा।